पब्लिक टीवी आपकी आवाज। संभल जनपद की गुन्नौर कोतवाली क्षेत्र में जहरीली शराब पीने के बाद एक युवक की मौत और एक की हालत खराब। अस्पताल में शव पहुंच जाने के बाद मामले ने तुल पकड़ा और कई घंटों बाद पुलिस का जो मैनेजमेंट सामने आया उसके अनुसार सीओ ने अवैध शराब से मौत से इनकार करते हुए मामले को जहर मिला शराब पिलाकर हत्या का केस दर्ज कर लिया, जबकि आरोपी शराब लाने और पिलाने से साफ इनकार कर रहा है। एक चीज साफ है कि शराब दोनों ने पी थी। शराब पीने के बाद एक युवक की मौत और एक की हालत खराब होने का पूरा मामला संभल जनपद की गुन्नौर कोतवाली क्षेत्र के गांव भोना नगला का है, जहां आज सुबह शराब पीने के बाद दो युवक की हालत बिगड़ी। सत्यवीर नाम के युवक को घर वाले इलाज को करीब के बुलंदशहर जिले के नरोला अस्पताल में गए। सूत्रों के मुताबिक इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई और अस्पताल कर्मियों ने नरोला थाना पुलिस को संगीन मौत की सूचना दे दी। शराब पीने से एक युवक की मौत और एक की हालत खराब होने की जानकारी से सुबह तकरीबन 10 बजे तक सीओ गुन्नौर और अबकारी अधिकारी ने जानकारी होने से इनकार किया। पुलिस हरकत में आई, मृतक के शव को नरोला से मंगवा कर पोस्टमार्टम को भिजवाया और बाद में अवैध शराब से मौत से इनकार कर जो पेश किया वह काफी चौंकाने वाला था। सीओ के अनुसार गांव के बम भोले ने सत्यवीर को रंजिशन जहरीली शराब पिलाकर हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में उसके खिलाफ हत्या का मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। इधर इलाज के दौरान आरोपी का साफ कहना है कि मैजिक मूवमेंट शराब के दो पौवे सत्यवीर लाया था, जरूरत इस बात की थी सुबह 7 बजे कौन सा ठेका खुल गया, किस अड्डे से जहरीली शराब बिकी। मृतक और आरोपी एक ही परिवार के होने की वजह शराब बेचने वाले का नाम लेने को तैयार नहीं है। इस तरह पुलिस भी हत्या का केस दर्ज कर अवैध शराब की बिक्री की जांच से फिलहाल बची हुई है। फिलहाल सूत्रों का साफ कहना है कि गांव में अवैध शराब की बिक्री काफी बड़े पैमाने पर होती है। पिछले दिनों हुए लोकसभा चुनाव के दौरान बांटी गई अवैध शराब भी इलाके भर में है, जिसकी बिक्री हो रही है। यही एक सगाई का चचेरा भाई मैजिक मूवमेंट का पौवा लेके उसके घर आया, उसमें जहर मिला हुआ था और उसको उसने पिला के और घर से भाग गया। क्या ये पौवा लेकर के कौन आए थे? ये एक लड़का जो है जो भंबोला नाम का, जो तुरंत जो है शराब पीते ही गिर गया वो पीछे। हाँ, यहाँ किन्नौर थी, अब उन्हें है नकाद गिनने ज्यादा ना पी गई। करीब हम लोग को 7:30 बजे सूचना मिली कि भोना नगला में एक व्यक्ति को जहर दे दिया गया है जिसकी मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर हम लोग अभी तुरंत गांव को निकले, लेकिन तब तक ये लोग गांव से सत्यवीर जिसकी मृत्यु हुई है उसके पिताजी मोहर पाल सूरत पाल उसके मृतक की बॉडी को लेकर के थाने पर आ गए थे। इनसे पूछा गया तो इन्होंने बताया कि साहब मैं सुबह खेत पर था, मेरे घर में गांव का ही बम भोला सदा भूलाब सिंह जो कि पिछले लगभग 1 साल से आपस में हम लोग की कोई बोलचाल नहीं थी, एक लड़की भागने का मामला आया था जिससे वो लोग मुझसे रंजिश रखने लगे थे, लेकिन धीरे धीरे मेरे लड़के और उस बम भोला में यानी कि सत्यवीर और बम भोला में आपस में बातचीत होने लगी, वो लोग आने एक दूसरे के आने जाने लगे। इसी क्रम में आज सुबह बम भोला आया है और इनके लड़के को एक छोटी सी बोतल में जहर था जिसको कि वो कुछ कह के इनको पिलाया, वो लड़का पिया, पीने के बाद वो लड़का तत्काल मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं लगा होगा वो गिर गया और मुंह से झाग आ गया। सर इसमें जानना चाहेंगे जैसे कि परिवार के कुछ लोग कि साहब ये चाय पी रहा था उस समय, ये तब आया है, दारू की कहीं कोई बात किसी ने नहीं बताई, चाय पी रहा था तब वो लड़का बम भोला गाँव पे उनके घर पर आया है और जहर एक छोटी सी बोतल जिसमें जहर ही था इसको पिलाया है और पीने के तत्काल बाद जब ये गिरा है और मुंह से झाग आया तो वो घर से तुरंत भाग गया। आज क्या क्या FIR हुई है कोई? हाँ, उसके बाद उनके सूरज पाल ने इसकी संबंध में तहरीर दिया है, तहरीर के आधार पर कार्रवाई की है।